कार्यकाल से वो पदाधिकारी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्या महाराष्ट्राला झालेली 50 वर्ष त्या अनुषंगाने पहिले सर्व सुजात जागृत व न्याय प्रणालीला मानणारे नागरिक यांना शुभेच्छा देऊन इथे विचार काँग्रेसच्या विचाराला प्रचार करण्यासाठी आम्ही यावर उपस्थित आहोत। सर्वप्रथम आमचे धर्माचे आदरणीय प्रेरणास्थान असलेले आमच्या अध्यक्ष श्री सोनियाजी गांधी यांनी जे आम्हाला आदेश दिलेले आहेत की जिथे जिथे अन्याय होईल गरिबांवर जातो तिथे रस्त्यावर उतरा आणि न्याय हक्कासाठी लढा द्या। आज आम्ही इथे त्याच अनुषंगाने उपस्थित झालेलो आहोत। जमलेले इथे आमचे मंडळी आहेत। आज इथे आम्ही का आलेलो ते सांगतो। म्हणून पूर्वीला मिठागरला एक झोपडपट्टी जी आहे फार जुनी झोपडपट्टी कमीत कमी 15 ते 20 वर्ष असलेली तिथे रहिवासी असलेले ज्यांच्याकडे 1995 किंवा त्याच्याही पूर्वीचे असलेले पुरावे जे होते जसे रेशन कार्ड जसे क्लिअरमध्ये मेन्शन केलेलं आहे रेशन कार्ड वोटिंग लिस्ट लाईट बिल टेलिफोन बिल त्याच्यापैकी त्यांच्याकडे सगळे असलेले पुरावे अस्तित्वाचा पुरावा तर सरकारने एक जो क्लिअर काढलेला दशलक्ष रुपये प्रोटेक्टेड तर त्याला या महानगरपालिकेने काळिंबापासून मानवतेला काळिंबा भासलेलं का कृत्य या महानगरपालिकेने केलेलं आहे। त्या झोपड्या आणि बुलडोजर आणून सगळ्या नेस्तादूत ग्राउंड झिरो लेवल करून टाकलेलं आहे। त्याच्यात बऱ्याच लोकांना मारही लागला बरेच काही हे झालं तसेच आमच्या आया बहिणीवर रस्त्यावर आलाय त्याच्यानंतर त्याच्याही पुढे जाऊन ही मंडळी फुटपाथवर जेव्हा राहत होती तर त्याही झोपड्या त्यांनी तोडून टाकल्या। आता या महानगरपालिकेला आम्ही सांगू इच्छितो की जसं असं काय तुम्ही कार्य केलेलं आहे तसं आता मुंबईमधल्या ज्या सर्व झोपडपट्ट्या ज्या अधिकृत अनधिकृत असतील आणि फुटपाथवर असतील त्या त्यात तुम्ही तोडायलाच हवा। पहिले आम्ही आमचा न्याय हक्कासाठी मागणी करत आहोत त्यांना आपले घर मिळाले पाहिजे। कोण म्हणता देणार नाही ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आज आंदोलन इथे करण्यात येत आहे ते महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसचे रोजगार स्वयंरोजगारचे अध्यक्ष श्री राकेश यांना मी विनंती करतो राकेश शेट्टी आगे बढो राकेश शेट्टी आगे बढो राकेश शेट्टी आगे बढो काल हमारे हफ्ता सबसे पहले यहाँ पे मधुकर मात्रे जी आए मैं उनका स्वागत करता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा दल के अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष सबसे पहले उसके बाद अपने सामंत दोनों जो भाई है सामंत बंधु और उनके पिताजी भी आए हुए हैं। ये मुहिम जिसने चालू किया और जिसको ये मुहिम हम अंत तक ले जाएगी इसका मगर पूरा फर्स्ट टू लास्ट का श्रेय ये दोनों सामंत भाइयों को जाएगा। मैं आपके कोई बड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ बहुत साफ चीज कहूंगा मैं एक ही मुद्दे के लिए आया हूँ कि आप लोग जो एक साल में तकलीफ हुआ है वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं वो दिन मधुकर मात्रे जी का ऑफिस बैठ के आप सबसे मिला हूँ मुझे सबका डॉक्यूमेंट देखा है मैंने सब लोग आप लोग लीगल हो 95 के पहले हो इसका आप लोग का हक कोई बीएमसी नहीं उसका बाप भी नहीं इस तरह कांग्रेस का घोषणा है और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। वैसे मैं चाहूंगा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा बदल दो शिवसेना बीजेपी के राज में लोग आए रोड पे 95 के पहले के लोग हैं ये पूरा हक बनता है उनको भी गवर्नमेंट अभी कोर्ट में चालू है गवर्नमेंट ने तो कहा कि जो लोग 2000 से पहले हैं वो भी लीगल है उनको भी घर मिलना चाहिए मगर फिर भी ये प्लॉट का इतिहास आपको पता है क्या है ये प्लॉट एक गुप्ता क्या नाम है राधेश्याम गुप्ता अपना निजी इंटरनेशनल स्कूल बनाना चाहता है
के कारण इनके लिए और 95 के पहले तो तमाम पूरे मुंबई के झोपड़पट्टी है सब पोलो रोड पे। अगर इसी तरह है के सामने जिस दिन 27 मार्च 2009 में इन्होंने डिपोजिशन किया बैग भर के गुप्ता ने तो आपने बीएमसी ऑफिसर्स को पैसा दिया। मैं बीएमसी को यही कहना चाहता हूँ ये आम आदमी को कमजोर मत समझो, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी फर्स्ट से लास्ट तक इनका मदद करेगी और लास्ट 17 तक आपके लिए न्याय दिलाने के लिए आप खड़े रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसर्स का भी आपकी शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया और परमिशन दिया है, नहीं तो कभी अपने हक के लिए मांगने आए तो ये लोग ही रुकाते। आज इन्होंने हम लोग को सबको साथ दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन बहुत ही शासनपूर्वक होता है, यहाँ पे कोई मन से या शिवसेना नहीं है कि जाके तोड़फोड़ करे और पब्लिक